तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारे भाई का इधर दिखाओ पहले। आया हूँ देखो, ये आया हूँ मैं पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मैं कुछ लेने आया हूँ। थंबनेल लिख के आप समझ ही गए होंगे। तो जल्दी से चलते हैं, लेके आते हैं, फिर मैं दिखाते हैं। घर चल के बात करेंगे हम ढेर सारी, और तुम समझ सकते हो मैं आज कितना खुश हूँ। तो जल्दी से चलते हैं, आ जाओ। तो फ्रेंड्स, तुम्हारे भाई का आ गया है एडसेंस अकाउंट। भाई ने मेरे पास फ़ोन करा, मैं इसके पास बहुत 2-3 महीने से चक्कर काट रहा था कि भाई मेरा एडसेंस अकाउंट आएगा, बता देना। तो भाई आज आया, तो भाई ने कहा आ गया। तो भाई कह रहे हैं कि मैं उधर नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा 2 मिनट रुको, मैं खुद आता हूँ पोस्ट ऑफिस। तो तुम्हारा भाई आ गया, इसे घर चल के देखेंगे। और अभी फॉर्मेलिटीज ठीक है भाई। मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं जी, 7532। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दादा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, तुम्हारे भाई का एडसेंस अकाउंट आ चुका है, ये रहा, ठीक है। और मैं तुम्हें लिटरली एक बहुत प्यारी चीज़ बताऊंगा, और बेवकूफ़ी वाली भी चीज़ बताऊंगा। दोनों चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। प्यारी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये आ गई, सबके लिए आना चाहिए। सबसे प्रे करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यूट्यूब पर भाई काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द सभी का आए ये, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको अप्लाई करते टाइम जो मैंने गलती करी है, वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप लोग ना करो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मेरा एडसेंस अप्लाई करने के लिए, यानी जो वो होती है कंडीशन होती है यूट्यूब के लिए, 4000 घंटे हो गए, वॉचिंग आवर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, ये मेरा ऑलमोस्ट अक्टूबर में कम्प्लीट हो गया था, ठीक है। अक्टूबर या नवम्बर में मेरा कम्प्लीट हो गया था। मैंने अप्लाई शायद नवंबर में कर दिया था, तो उसमें लिखा था कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो है एडसेंस अकाउंट आपके पास आ जाएगा, हमने भेज दिया है, ठीक है। अब मैंने उसमें गलती क्या करी थी वो मैं बता दूँ। गलती मैंने ये करी थी, देखो जो एड्रेस, अब क्या है कि वहाँ पे जब आप एड्रेस मेंशन करोगे अपना, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का एक अलग से पोर्शन, एक अलग से वो बना हुआ है बॉक्स कि आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर कहीं पर भी शो नहीं होगा, देखो। तो अगर आप कोई वैसे जगह एरिया रहता है, क्योंकि देखो छोटे मोटे क्रिएटर्स बहुत सारे बहुत कम ऐसे होते हैं जो बड़े घर से होते हैं, जो नॉन एरिया में रहते हैं। भाई हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं कि भाई हमारा तो एड्रेस ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है, किसी को पता ही नहीं होता कि भाई ऐसी कोई जगह भी है उस एरिया में जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। तो क्या होता है, कई बार हमारे पास पोस्ट ऑफिस यानी कि ये जो आना होता है वो नहीं आता, डाकिया आता है, नंबर वंबर देखता है भाई है नहीं, और हम इतने नॉन भी नहीं होते कि हमें सब जाने। तो वो आता है, पूछता वाजता भी 2-4 लोगों से नहीं मिलता, तो क्या होता है कि एडसेंस अकाउंट वापस चले जाता है। जैसे कि मेरा गया, मैंने अप्लाई करा था, मेरा ये अकाउंट आ गया था दिसंबर में ही आ गया था, लेकिन ये मेरा वापस चला गया। मैं फिर मेरे को लगा क्या पता थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप मेरे एड्रेस पर आ जाएगा। फिर मैं जनवरी में गया पोस्ट ऑफिस, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, एक एडसेंस अकाउंट आया हुआ गूगल की साइट से, पोस्ट ऑफिस वाले भाई से, जो अभी देखा होगा आपने वीडियो में, उस भाई से मैंने बोला था। लेकिन वो भाई कहता है कि यार आया तो था, लेकिन वो वापस चला गया क्योंकि उस पर फ़ोन नंबर नहीं डाला हुआ था, और मैं जाके पता भी करा लेकिन वहाँ पे मिला नहीं मेरे को कोई, तो वो वापस चला गया। मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ भाई कि यार मेरी तो सालों की मेहनत ख़राब हो। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं दोबारा रीअप्लाई का ऑप्शन आता है, तो मैंने रीअप्लाई कर दिया। इस बार मैंने उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करा तो उस टाइम भी था, लेकिन मेरे को लगा क्या पता मैंने नहीं करा, तो मैंने दोबारा मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। लेकिन इस बार मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके बोल दिया था कि भाई मेरा एडसेंस अकाउंट आएगा तो आपको देना है, ठीक है। अब उसके पास नंबर चला गया भाई, फिर अप्लाई कम से कम जनवरी पूरा बीत गया, फरवरी बीत गया, है ना। फरवरी में फिर मैं बार बार उसको पूछ रहा हूँ कि रहा भाई तुम टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। फिर मार्च भी बीतने लगा, तो मैं थोड़ा सा क्या ना डिमोटिवेट होने लगा, देख रहे हो गए कि पहले मेरी वीडियो दूसरे दिन डल जाती थी, अब एक एक हफ्ता 10-10 दिन तक मैं वीडियो डाल नहीं रहा था, क्योंकि यार मेरे को थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था यार कि क्या फ़ायदा बनता है यार, मेहनत इतने करा, एक साल मैंने मेहनत करा और उसके बाद आ ही नहीं रहा यूट्यूब वाला, पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई करा, मैंने कहा एक बार फिर से अप्लाई, 4 बार अटैम्प्ट आता है मेरे ख्याल से, 3 या 4 बार अटैम्प्ट कर सकते हो आप। फिर मैंने दोबारा करा, और इस बार क्या है कि मैंने अप्लाई करा और तुरंत आज सुबह ही मेरे पर फ़ोन आ गया पोस्ट ऑफिस वाले का, और तुरंत मेरा यानी कि आपके सामने है ये। अब मैं जो पहले मेहनत कर रहा था उससे 4 गुना और अपनी मेहनत में बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है ये हमारी बैकबोन है, ये बैकबोन है हम यूट्यूबर्स की। जब ये आ जाता है हमारे पास, तो समझ लो कि हम 50% तो जीत जाते हैं, हमारा हौसला और बढ़ जाता है।
जो YouTube पे होगे वो इस चीज को, मेरी फीलिंग को जरूर समझ रहे होगे। और व्यूअर्स आप देख रहे हो तो आपके लिए खुशी है, आप लाइक इसलिए जरूर एक वीडियो पे कर दो। और मैं बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या है। देखो जो एड्रेस के जो अलग से मेंशन आता है फोन नंबर डालने के, वहां पे फोन नंबर ना डाल के एड्रेस पे ही अपना फोन नंबर डाल दो। तो क्या है, क्योंकि देखो अब एड्रेस पे ही अगर आप फोन नंबर डाल दोगे PH करके और डैश करके, फिर फोन नंबर वहीं एड्रेस पे ही मेंशन कर दोगे, तो वो यहाँ, तो इससे फायदा ये होगा कि आपको जो पोस्ट ऑफिस मैन होगा वो जब यहाँ पे देखेगा ना तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये फोन नंबर है, और वो फिर आपके फोन नंबर पे फोन करके और आपको बता देगा कि आपका लेटर आया है। तो ये थी सबसे बड़ी चीज जो शायद कोई यूट्यूबर आपको बताएगा, लेकिन मेरे को समझ में आया, क्योंकि जितनी चीज मैंने इसमें देखी है यानी कि अपने एड्रेस में भरी थी, वो सारी एक एक भी चीज यानी कि कोमा भी मिस नहीं हुआ आया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसमें अपना फोन नंबर डाल दूंगा तो ऑटोमेटिक वो दिख जाएगा, यहाँ पे आएगा जरूर। तो ऐसा जरूर करना फ्रेंड्स। और अब फिर से दूसरा सेटअप जैसा कि मैंने बना लिया, शॉर्ट मूवीज भी अब आएंगी, और अब तुम्हारा भाई अब तो और काम करेगा, मस्त हो गए। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये एडसेंस अकाउंट आने की खुशी में एक लाइक तो कर दे जाओ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इससे पहले मैं करता हूँ जल्दी से एंटर, और उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय, रवि, टेक केयर।